हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन टेल्स द ग्राफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो डिपिक्ट द डायगोनल वेरिएशंस इन द सोलर रेडिएशंस इन द मंथ ऑफ जून समर एंड इन दिसंबर दैट इज विंटर। सो हियर वी हैव गिवन फोर ग्राफ्स एंड देन इन द फर्स्ट पार्ट व्हिच ऑफ द टू ग्राफ डिपिक्ट्स ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों ग्राफ में से कौन सा ट्रॉपिकल रीजन को शो करता है, कौन सा टेम्परेट रीजन को शो कर रहा है। देन वी हैव टू टेल इन द सेकंड पार्ट, दोनों रीजन्स में से दैट इज एक्स और वाई हु विल शो हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड व्हाई। सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी आर टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। सो अगर मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करना चाहूँ, सो दिस इज आर इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा। एंड इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो एरिया होता है दैट इज आर ट्रॉपिकल रीजन। और जो ट्रॉपिकल रीजन होता है इसमें हमारा एनुअल फ्लक्चुएशन डायगोनल वेरिएशन सोलर रेडिएशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, और ट्रॉपिकल रीजन के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा ये वाला रीजन कौन से होंगे, दीज टू रीजन आर टेम्परेट रीजन। ऑलराइट, टेम्परेट रीजन की अगर मैं बात करूं सो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, हमने अभी क्या पढ़ा कि यहाँ पे कोई भी आपका वेरिएशंस नहीं होंगे, नो वेरिएशंस इन द सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर, इट विल बी ऑलमोस्ट सेम। ऑलराइट, वेयर अगर मैं टेम्परेट रीजन की बात करूं सो यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे इन द समर्स एंड इन द विंटर्स। सो फ्लक्चुएशंस विल बी देयर इन सोलर रेडिएशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी कैन इजिली प्रिडिक्ट कि कौन सा ग्राफ हमारा टेम्परेट का है एंड कौन सा हमारा ट्रॉपिकल का होगा। सो यहाँ पे अगर हम एक्स ग्राफ को देखें सो यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि जो हमारा एक्स ग्राफ है उसमें समर्स के टाइम पे वी हैव हायर सोलर रेडिएशन एंड इन द विंटर्स देयर इज अ लो सोलर रेडिएशन। तो ऑब्वियसली जो हमारा एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स विल बी आर टेम्परेट रीजन और वाई ग्राफ में यू कैन सी ऑलमोस्ट इक्वल है, देर इज नो कंट्रास्ट, देर इज नो वेरिएशन। तो एक वाई वाला हमारा हो जाएगा ट्रॉपिकल। सो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पे सोल्व हो जाता है, लेट्स राइट दैट। सो एक्स रिप्रेजेंट्स टेम्परेट रीजन, रीजन हमने अभी देखा, वेर एज योर वाई रिप्रेजेंट्स द ट्रॉपिकल रीजन। रीजन बड़ा सिंपल है कि ट्रॉपिकल एरिया जो होता है वहां पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन सेकेंड पार्ट जो हमारा है उसमें पूछा गया है कि दोनों में से विच वन विल हैव हायर डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी किसमें हायर होगी। सो एज दिस लेटिट्यूड यानी कि जो हमारा कौन सा जो हमारा ट्रॉपिकल वाला जो होता है वहां पे हायर सोलर एनर्जी रिसीव होती है, एज दिस लेटिट्यूड रिसीव्स मोर सोलर एनर्जी जिसका मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रॉपिकल वाला। तो ज्यादा सोलर एनर्जी अगर यहाँ पे अवेलेबल होगी देन टेम्परेट रीजन, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दैट विल रिजल्ट इन द हायर प्रोडक्टिविटी, रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्टिविटी एंड ए लार्ज डाइवर्सिटी। अगर प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो डाइवर्सिटी होगा दैट विल बी ऑल्सो हाई, लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वी कैन से एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये रीजन आएगा कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा रिसीव होती है जिसके कारण जो डाइवर्सिटी है या फिर जो बायोमास है वो बहुत ज्यादा होता है।
tropical region as compared to the temperate one. एंड इनका जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इज मोर कंसिस्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. क्लाइमेट इज मोर कंसिस्टेंट इन ट्रॉपिकल रीजन, जिसकी वजह से जो हमारी डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन्स फ्लक्चुएशंस एंड हाउ द बायोडाइवर्सिटी डेंसिटी चेंजेस. थैंक यू.